भारत से पाकिस्तान गई अंजू जब से भारत वापस आई है कई खुलासे कर रही है। नसरुल्ला के प्यार में पड़कर भारत से पाकिस्तान गई अंजू ने निकाह करने के लिए इस्लाम धर्म तो अपनाया लेकिन उन्होंने कभी नमाज नहीं पढ़ी। ये बातें उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कही हैं। आपको बता दें कि राजस्थान से अपने पति और बच्चों को छोड़कर कराची जाने वाली अंजू ने वहाँ इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। इतना ही नहीं, अंजू ने अपना नाम बदलकर फातिमा भी रख लिया। हालांकि बीते 4 महीने से ज्यादा वक्त पाकिस्तान में गुजारने के बाद अब वो वापस भारत लौट आई हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी पर्सनल जिंदगी को लेकर कई सारे खुलासे किए हैं। अंजू ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया है लेकिन उन्होंने कभी नमाज नहीं पढ़ी। अंजू ने बताया कि नसरुल्ला से उन्होंने निकाह करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाया है लेकिन उन्होंने नमाज कभी नहीं पढ़ी। उन्होंने बताया कि नमाज पढ़ना इतना आसान नहीं है क्योंकि कई तरह की चीजों को याद करने में काफी समय लगता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि नमाज को लेकर उन्हें कभी फोर्स नहीं किया गया। इन सब के बीच अंजू ने एक चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने बताया कि उनके पाकिस्तान आने के बाद माहौल काफी खराब हो गया था, इस वजह से उन्हें वापस लौटने में थोड़ा समय लगा। उन्होंने बताया कि जब वो पाकिस्तान में थी तो भारत में अपने बच्चों से बात किया करती थी। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान में कई जगह घूमी। अंजू ने बताया कि वो पाकिस्तान के हर टूरिस्ट प्लेस पर गई और पाकिस्तान की तारीफ में कहा कि वहाँ काफी खूबसूरत जगहें हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।